गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास फिफ्थ, थर्ड चैप्टर अपनी वस्तु। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट रीड किया था, आज हम इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट रीड करेंगे जो कि पेज नंबर 98 पर है। हम इसमें फिफ्थ वाला गद्यांश पढ़ेंगे। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। डटकर का अर्थ होता है पेट भरकर। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। ठिकाने का अर्थ होता है ठीक। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। जब महात्मा जी ने मतलब उन दोनों भाइयों को समझाया, तो महात्मा जी ने पहले कहा कि पहले अपन भोजन कर लें, फिर उसके बाद इस भूमि का निर्णय करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। दोनों भाई किस बात पर राजी हुए? इसका आंसर है, दोनों भाई महात्मा जी की बात पर राजी हुए। सेकंड क्वेश्चन, किसको जोरों की भूख लगी थी? इसका आंसर है, महात्मा को जोरों की भूख लगी थी। थर्ड क्वेश्चन, महात्मा कहाँ बैठ गए? इसका आंसर है, पेड़ की छाया में महात्मा जी बैठ गए। फोर्थ क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया, नाम लिखना है। तो ये किस पाठ से लिया गया है, जो गद्यांश है वो अपनी वस्तु। अब हम सेकंड गद्यांश रीड करेंगे। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात, तत्पश्चात का अर्थ है बाद में। उन्होंने भोजन के तीन भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था। कार्यवाही का अर्थ होता है कार्य करना, कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, निवृत्त का अर्थ होता है कर चुकना या तैयार, तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। अब महात्मा जी ने जब दोनों भाइयों को अपने अपने घर से भोजन बनवा कर लाने को कहा, तो जब वो दोनों भाई भोजन लेके आए, तो उनके महात्मा जी ने तीन भाग किए और सबने भोजन किया, तो इसमें कम से कम 2 घंटे लग गए। तो इसमें महात्मा जी का उद्देश्य ये था कि दोनों भाइयों का क्रोध कुछ कम हो जाए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भोजन कहाँ से बनकर आया? तो इसका आंसर है, भोजन दोनों भाई अपने घर से बनवा कर लाए। सेकंड क्वेश्चन, महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए? इसका आंसर है, महात्मा जी ने भोजन के तीन भाग किए, एक स्वयं के लिए, शेष 2 भाग दोनों भाइयों के लिए करे। मतलब उस भोजन के 3 हिस्से किए थे, एक भाग महात्मा जी के लिए और 2 भाग उन दोनों भाइयों के लिए। थर्ड क्वेश्चन, भोजन बनाने खाने में कितना समय लग गया? इसका आंसर है, 2 घंटे। भोजन बनाने और खाने में उनको 2 घंटे लग गए। फोर्थ क्वेश्चन, भोजन करने के बाद महात्मा से भाइयों ने क्या निवेदन किया? इसका आंसर है, महात्मा, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। अब हम 7th वाला गद्यांश रीड करते हैं। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास। कुछ देर तक तो वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर का अर्थ होता है गहरी या भारी, जैसे तेज वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। पीढ़ियों का अर्थ होता है जो अपने पूर्वज पुराने पुश्तो। मतलब अब जब महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को समझाने के लिए ये कहा कि ये भूमि यह कह रही है कि ये भूमि किसी की नहीं है, ये मतलब ये अवश्य मेरे पुत्र हैं और मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है, लेकिन ये दोनों व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे।
महात्मा जी ने अपने कान कहाँ लगाए? इसका आंसर है महात्मा जी ने अपने कान पृथ्वी पर लगाए। सेकंड क्वेश्चन, गंभीर वाणी में कौन बोला? इसका आंसर है गंभीर वाणी में महात्मा जी बोले। थर्ड क्वेश्चन, भूमि ने महात्मा से क्या कहा? इसका आंसर है भूमि ने कहा मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए देखा है। फोर्थ क्वेश्चन, भूमि का पर्यायवाची शब्द लिखिए। भूमि का पर्यायवाची शब्द का होता है जमीन, पर्याय का अर्थ होता है समान। अब हम एर्थ वाला गद्यांश रीड करेंगे। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो क्या वह आज तक किसी की बनी है? जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यत्न का अर्थ होता है कार्य, यह नहीं सोचता कि इसमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए वैसे ही खाली हाथ इस संसार में से चले गए। मतलब अब महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बहुत लज्जित हुए, उन्हें अपने आप पर शर्म आ गई। तो महात्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो वो किसी की नहीं है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ ही जाता है और मनुष्य इस संसार में खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। जो बड़े बड़े राजा थे वो भी इसे अपना अपना कहकर चले गए। इसलिए महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि यह भूमि किसी की नहीं है, तुम व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। महात्मा जी की बात सुनकर कौन लज्जित हुए? इसका आंसर है महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। किसने लोहा गर्म देखकर चोट की? ये लोहा गर्म देखकर चोट करना मुहावरा है, तो ये महात्मा जी ने। इसका आंसर है मनुष्य क्या नहीं सोचता, तो इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, खाली हाथ संसार से कौन चले गए? तो खाली हाथ संसार से छत्रपति राजा चले गए। अब हम नोवा गद्यांश रीड करेंगे। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? अनमोल का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य ना हो, अर्थात जिसका मूल्य अनंत हो। यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि क्या इस संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। जो लोक परलोक के संगी साथी है, लोक का अर्थ होता है संसार और परलोक का अर्थ होता है दूसरा लोक। ये लोक और परलोक विलोम शब्द है। शेष सब कुछ तो यही रह जाता है, अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ। सुमिरन का अर्थ होता है ध्यान करना या याद करना, ताकि तुम्हारा लोक परलोक सवर जाए। सवरण का अर्थ होता है सुधरना। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। मतलब महात्मा जी ने उन्हें इतना समझाया कि तुम इस भूमि के लिए झगड़ा मत करो और अपना जो कार्य वो अच्छे कर्मों में लगा और भगवान का भजन करो। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। महात्मा जी के अनुसार जीवन कैसा है? इसका आंसर है महात्मा जी ने बताया कि मानव जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ के कार्यों में नहीं गंवाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य की अपनी संपत्ति क्या है? मनुष्य की अपनी संपत्ति अच्छे कर्म और भगवान का भजन और भक्ति है। थर्ड क्वेश्चन, महात्मा जी के अनुसार लोक परलोक संवारने के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर है लोक परलोक संवारने के लिए मनुष्य को अपना समय नाम सुमिरन तथा अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, गद्यांश से उस शब्द युग्म को चुनिए जो आपस में विलोम अर्थ देते हैं। तो इसमें विलोम का है, जैसे मैंने आपको गद्यांश में बताया था, लोक और परलोक ये दोनों विलोम शब्द है, मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थ है। आज हमारा ये थर्ड चैप्टर है, ये पूरा हमने रीड कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।